myself Alka and welcome to our excellence family. चलिए friends, आज हम जानेंगे class 12th में business studies के first chapter को, जिसका नाम है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। एक एक करके हम सभी के मीनिंग को जानेंगे, प्रबंध क्या होता है, फिर प्रकृति का मीनिंग क्या है और महत्व क्या होता है। सो फ्रेंड्स, प्रबंध को अगर मैं एक वर्ड लूँ आपके सामने, व्यवस्था, तो आप जल्दी से कैच कर पाओगे, क्योंकि ये व्यवस्था नाम सबने सुन रखा है। जैसे हमारे घर पे कोई गेस्ट आते हैं तो हम उनकी व्यवस्था नहीं करते, मतलब इंग्लिश में इसको मैनेज बोला जाता है, हिंदी में प्रबंध बोला जाता है। लेकिन अगर इसको और भी अच्छे से जाना जाए, तो अगर मैं व्यवस्था शब्द का यहाँ पर उपयोग करूँ तो आप अच्छे से समझोगे। जैसे घर में कोई गेस्ट आए तो अपन उनकी व्यवस्था करते हैं, खाने की, पीने की, उनके रहने की, हर एक बात की हम व्यवस्था करते हैं, ठीक है। सेकंड, आप अपने डेली रूटीन में भी मैनेजमेंट करके ही चलते हो हर एक बात को। जैसे आप स्टडी कर रहे हो तो किस टाइम पे आपको स्कूल जाना है, किस टाइम पे आपको कोचिंग जाना है अगर आप जाते हो, किस टाइम पे आपको घर का काम करना है, किस टाइम पे आपको सेल्फ स्टडी करनी है, तो ये सब क्या आप मैनेज करके चलते हो? ये प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग का मतलब तो होता है एक टाइम फिक्स कर लेना, और मैनेज का मतलब होता है, प्रबंध का मतलब होता है जो आप काम कर रहे हो उसका तरीका, ठीक है। एक और एग्जांपल से देखो, जैसे यहाँ पर राम है, ठीक है। अब राम क्या करना चाहता है, एक सेंटर खोलना चाहता है, ठीक। लेकिन राम के पास यहाँ कितने रूम है फ्रेंड्स? 4, 1, 2, 3, 4। और उसके यहाँ पर टीचर कितने हैं? 8। तो ऐसी कंडीशन में क्या ये 8 ही टीचर एक साथ आ जाएंगे क्या सेंटर पर? अगर एक साथ आएंगे तो वो कैसे पढ़ाएंगे? रूम कितने हैं? 4। तो ऐसे कंडीशन में राम क्या करेगा, 4 टीचर को अलग टाइमिंग पे बुलाएगा और 4 टीचर को अलग टाइमिंग पर बुलाएगा। तो ये क्या किया राम ने यहाँ पर, मैनेज, है ना। तो कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि प्रबंध का मतलब होता है हम जो काम करवा रहे हैं, या तो किसी से काम करवा रहे हैं या फिर हम कोई काम कर रहे हैं, तो उसका एक तरीका होना प्रबंध कहलाता है, उसको एक तरीके से करना प्रबंध कहलाता है। अब मीनिंग में देखो क्या लिखा है कि सामान्यतः व्यक्तियों के समूह से कार्य करवाना ही प्रबंध कहलाता है। या तो फिर आप अपना कोई शेड्यूल डिसाइड करो, अपने तरीके को चेंज करो, या फिर आप लोगों से भी तो काम लेते हो। जैसे यहाँ पे ये राम का सेंटर था तो ये दूसरे लोगों से काम ले रहा था, तो इसने क्या किया, उन पहले 4 को रखा फिर बाद में 4 को रखा, तो यहाँ इसने मैनेज किया ना, तो ये कहलाता है प्रबंध। तो हम बोल सकते हैं कि व्यक्तियों के समूह से काम करवाना ही प्रबंध कहलाता है, और उनके साथ मिलकर काम भी किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखो, ये कुछ व्यक्तियों का समूह है, ठीक है। अब यहाँ पे अभी हमने जाना कि प्रबंध क्या होता है, अब जानो कि ये प्रबंध का काम करने वाला होता कौन है। तो प्रबंध का काम करने वाला कहलाता है प्रबंधक। तो यहाँ पर मोहन क्या है, प्रबंधक है, जिसने क्या किया, प्रबंध किया, मतलब मोहन हो गया यहाँ पर मैनेजर, ठीक है। और मैनेजर मोहन ने क्या 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 काम किया यहाँ पर, मैनेजमेंट का, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम आगे जानेंगे कि ये प्रबंध की आवश्यकता हुई ही कैसे, क्यों व्यक्ति दूसरों से काम करवाता है। तो देखो, एक व्यक्ति अकेला कोई काम नहीं कर सकता है, ठीक है। तो क्या करता है, वो अपने काम के लिए दूसरे लोगों को अपॉइंट करता है, क्योंकि जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ वैसे वैसे अधिक से अधिक काम भी तो बढ़ने लगे। एक और एग्जाम्पल से हम प्रबंध को समझते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक ये सोहन है, ठीक है। अब सोहन कौन सा टीचर है, कॉमर्स का टीचर है, ठीक है। अब इसने क्या किया, एक इंस्टीट्यूट ओपन किया। अब इसके इंस्टीट्यूट में इसने 3 सब्जेक्ट रखे हैं, इसने साइंस का भी रखा, आर्ट्स का भी रखा, और यहाँ पे कॉमर्स का भी रखा। तो सोहन कॉमर्स का टीचर होने के कारण, या इसका कॉमर्स सब्जेक्ट होने के कारण, या कॉमर्स के फील्ड में जो भी सब्जेक्ट है, जैसे कि अकाउंट है, इको है और बिजनेस है, तो इनको ये पढ़ा देगा, ठीक है। लेकिन साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इसके लिए तो इसे दूसरे लोगों की आवश्यकता महसूस हुई है। आर्ट्स के लिए इसे, इकोनॉमिक्स के लिए, हिस्ट्री के लिए, इन सब के लिए दूसरे लोगों की आवश्यकता हुई है। तो क्या कर रहा है, इन दूसरों लोगों को ये बुला रहा है और काम को करवा रहा है एक तरीके से, तो उसको बोला जाता है प्रबंध। और ऐसे प्रबंध की आवश्यकता महसूस हुई,
ठीक है। प्रबंध क्या है? काम करने का एक तरीका, या तो फिर हमारे कार्य करने के तरीकों को प्रबंध कहेंगे, या जब हम दूसरे से काम लेते हैं तो उससे उस काम लेने की कला का नाम क्या है? प्रबंध है। और अब हम प्रबंध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मानव सभ्यता का जैसे जैसे विकास हुआ वैसे वैसे उसकी आवश्यकता बढ़ने लगी तो उसके काम बढ़ने लगे, तो कुछ कार्यों को उसने किया और कुछ कार्यों दूसरों से लेने लगा। तो दूसरों से काम लेने के लिए भी तो एक तरीका होना चाहिए, प्रबंध होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे देखूं, ये जो प्रबंध है इसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट, ठीक है। तो एक जो विद्वान है उन्होंने क्या किया कि इसके अंग्रेजी शब्द, जैसे इसको अंग्रेजी में मैनेजमेंट कहा जाता है, है ना, तो इस अंग्रेजी शब्द से ही क्या कर दिया, इसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। वो कैसे? यहाँ पर देखो, फर्स्ट इन्होंने क्या किया, मैनेज एक वर्ड यहां से निकाला, ठीक है। सेकंड इन्होंने मैन, और थर्ड इन्होंने टी, मतलब टैक्टफुली। अब इन तीन वर्ड से इन्होंने प्रबंध की परिभाषा बता दी। जैसे इन्होंने बोला मैनेज का मतलब प्रबंध होता है, और प्रबंध किसका करना होता है, मैन मतलब व्यक्ति का, और किस तरीके से, समुचित तरीके से, टैक्टफुली तरीके से। जैसे अगर आपको किसी से कोई काम लेना है तो आप अगर उससे ऐसे बोलोगे, ओए तुम क्या कर रहे हो, दो मिनट इधर आओ मेरा काम करो, मतलब इस लैंग्वेज का अगर आप यूज़ करोगे तो वो आपका काम तो करेगा लेकिन आपके काम को अपना काम समझकर नहीं करेगा। और अगर आप पोलाइटली लैंग्वेज का यूज़ करते हो कि आप क्या कर रहे हो, दो मिनट प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, तो वो अपना काम छोड़कर भी आपका काम करेगा। तो ये कहने का मतलब है कि जब आप क्या करते हो, दूसरों से काम लेते हो, तो काम लेने का आपके पास एक तरीका होना चाहिए, टैक्टफुल तरीके से व्यक्तियों से काम करवाना प्रबंध कहलाता है। देखो यहां यही लिखा है कि प्रबंध क्या है, वह कला है, मतलब एक तरीका, एक आर्ट होती है काम लेने की, ठीक है, जिसमें व्यक्तियों से समुचित तरीके से कार्य करवाया जाता है, मतलब एक तरीके से काम करवाया जाता है, ठीक है। तो आगे देखो यहाँ पे, अतः प्रबंध व्यवसाय एवं उद्योग का वह जीवनदायक तत्व है जो संगठन को ऊर्जा देता है, संचालित करता है एवं क्या करता है, नियंत्रण में रखता है। आ रहा है समझ में? प्रबंध क्या है? एक आपके काम करने के तरीके ने आपका जो बिजनेस है या फिर आपकी जो इंडस्ट्री है उसको क्या क्या बहुत अच्छे से ऑपरेट किया, उसको लॉन्ग टाइम तक रखा, रेगुलरली रखा, और उस पर कंट्रोल वगैरह सारे रहने से आपने बहुत अच्छी सक्सेस अचीव की। तो ये सब कैसे हुआ? एक अच्छे मैनेजमेंट से, ठीक है फ्रेंड्स। तो कुल मिला के समझ आया प्रबंध क्या होता है? कार्य करने का एक तरीका, या तो फिर हमारा तरीका या फिर दूसरों से कार्य लेने का तरीका ही क्या कहलाता है? प्रबंध कहलाता है, ठीक है। अब इसके इस एग्जाम्पल में देख लो क्या लिखा है। जैसे विद्यालय का प्रधानाचार्य, माइक्रोसॉफ्ट प्रबंधक बिल गेट्स, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के प्रबंधक कौन है? बिल गेट्स। तो बोल रहा है कि आप प्रबंधक को और भी एग्जाम्पल से ले लो। जैसे एक स्कूल का प्रिंसिपल है, ठीक है, तो वो क्या करता है, स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, अलग अलग क्लासों के होते हैं, बहुत सारे टीचर्स होते हैं, तो उन सबके बीच कैसे मैनेज करता है? तो वह जो कार्य करता है वो क्या कहलाता है? मैनेजमेंट। और वो स्कूल के प्रिंसिपल क्या है? एक मैनेजर हो गए, क्योंकि प्रबंध का काम करने वाला प्रबंधक कहलाता है, मतलब मैनेजर कहलाता है। माइक्रोसॉफ्ट के प्रबंधक बिल गेट्स, ये सब क्या है? एक प्रबंध के एग्जांपल है जो अपने काम को करते हैं। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखो क्या लिखा है कि प्रबंध का अर्थ होता है पूर्वानुमान लगाना, नियोजन करना, आदेश देना, समन्वय करना, नियंत्रण करना होता है। ऐसा किसने बोला? हेनरी फ्योल ने। क्या बोला उन्होंने कि प्रबंध का मतलब है सबसे पहले आप जो काम करना चाहते हो या व्यक्तियों से जो काम लेना चाहते हो उसका पूर्वानुमान लगाओ, मतलब पूर्वानुमान मतलब पहले से उसे सोचो कि कौन सा काम करना है, फिर उसका नियोजन करो, मतलब उसकी प्लानिंग करो कि आपको काम कैसे करवाना है, फिर आदेश दो या निर्देश दो, मतलब कि उनको गाइड करो। जैसे अपन बोलते हैं ना कि हर एक बंदा जैसे एग्जाम को फाइट कर लेता है, फिर उसके बाद अपन बोलते हैं कि 2 महीने की ट्रेनिंग पे है, 5 महीने की ट्रेनिंग पे है, तो क्यों है? क्योंकि वहाँ उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है काम करने के लिए, हालांकि वो अपनी एबिलिटी के बेस पे सिलेक्ट हो जाता है, लेकिन हो सकता है उसके काम करने का तरीका अलग हो और कंपनी को अलग तरीका चाहिए, तो कुछ इसलिए उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। फिर समन्वय करना, कोऑर्डिनेशन, मतलब कि एक कंपनी में एक एम्प्लॉय तो नहीं रहता है, बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, तो उन
सबके बीच तालमेल बैठाना, उनमें आपसी सामंजस्य स्थापित करना कि सब एक दूसरे को समझे, एंड लास्ट है नियंत्रण करना, मतलब उन पर कंट्रोल भी रखना कि कब उन्हें आना है, किस टाइम पर उन्हें जाना है, कौन सा काम करना है। तो इन सब का नाम क्या है? प्रबंध। हेनरी फ्योल ने बोला कि प्रबंध का मतलब होता है कि आप जब किसी से काम लेते हो तो उस काम का पूर्वानुमान लगाओ, फिर काम करने के लिए प्लानिंग करो, फिर उनको गाइड करो, फिर उनमें कोऑर्डिनेशन का काम करो, फिर आप उन पर कंट्रोल रखो। तो इस तरीके से आप सक्सेस हो सकते हो। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा प्रबंध का मीनिंग, हमने प्रबंध का अर्थ जाना। अब हम यहाँ पर पहले डिस्कस कर लेते हैं प्रभावपूर्णता बनाम कुशलता क्या होता है, उसके बाद हम इसकी विशेषता को पढ़ेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, प्रभावपूर्णता बनाम कुशलता का मीनिंग होता है, जैसे हर एक व्यक्ति सोचता है कि वह जो टाइमिंग फिक्स करे उस टाइमिंग में उसके टारगेट को पूरा कर ले, ठीक है। और सेकंड वो ये भी सोचता है कि मेरा जो टारगेट है, ठीक है, जैसे वो सोचता है कि यार मुझे एक घंटे में 100 वस्तुएं बनानी है, ठीक है, तो एक घंटे में 100 वस्तुओं को तो मैं बनाऊं, अगर मैंने एक घंटे में 100 वस्तुएं बना ली तो मेरा टारगेट पूरा हो गया, ये हो गई कुशलता, सॉरी प्रभावपूर्णता। और सेकंड वो सोचता है कि मुझे एक घंटा ही लगना चाहिए, एक घंटे में 100 ही पेन बनने चाहिए और मेरी उसमें कॉस्ट, मतलब उस खर्चा भी कम आना चाहिए, तो ये क्या हो गई कुशलता। आ रहा है समझ में? प्रभावपूर्णता बनाम कुशलता का अर्थ है, यहां पर इसके मीनिंग से देखो कि एक प्रबंध के लिए कार्य को लेकर प्रभावपूर्णता एवं कुशलता दोनों का होना, ठीक है। क्या बोल रहा है कि प्रभावपूर्णता बनाम कुशलता का अर्थ है एक प्रबंध के काम के लिए, मैनेजमेंट का काम करने के लिए एक मैनेजर के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है कि वह अपने प्रबंध में प्रभावपूर्णता एवं कार्यकुशलता दोनों को ध्यान में रखे, क्योंकि ये प्रभावपूर्णता एवं कुशलता दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू है। आवश्यकता है किस बात की? इन दोनों पक्षों में संतुलन बनाए रखना, क्योंकि हर एक बंदा चाहता है जो टाइमिंग वो फिक्स करे उस टाइमिंग में क्या हो जाए, उसका काम हो जाए, और सेकंड क्या हो जाए, कम से कम उसको खर्चा आए, है ना। तो यहाँ हम एक एक इसके मीनिंग को समझेंगे। पहले देखो प्रभावपूर्णता क्या होता है। समय को ध्यान में रखकर कार्य को निश्चित समय अवधि में पूरा कर देना क्या कहला गया? प्रभावपूर्णता। एवं कुशलता का अर्थ है कार्य को लेकर जो लक्ष्य निर्धारित किया गया उसे कम से कम लागत पर पूरा करना। आ गई ना बात? हर एक व्यक्ति यह सोचता है कि मेरे काम में प्रभावपूर्णता और कुशलता दोनों रहे, मैं जो समय अवधि निर्धारित करूं उसमें मेरा काम हो जाए और उस काम को करने में मेरा कम से कम खर्चा आए, ये क्या हो गई कुशलता। एग्जाम्पल में देखो, जैसे अ बस क्या है, एक कंपनी है, अब बस कंपनी प्रतिमाह क्या करती है 10,000 वस्तु का उत्पादन करती है, और कितने टाइमिंग में? यह उत्पादन एक महीने में कर देती है, ठीक है। अब कंपनी प्रतिमाह 10,000 वस्तु का उत्पादन करती है, तो यहाँ एक महीने में 10,000 वस्तु का बन जाना प्रभावपूर्णता है, और इसके विपरीत कभी इस कंपनी को 10,000 वस्तु बनाने में एक महीने 10 दिन लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ कार्य को करने में लागत अधिक रही किंतु समय को ध्यान में नहीं रखा गया। आ रहा है समझ में? क्या होता है कि जब बंदा डिसाइड कर लेता है कि मुझे एक घंटे में 100 पेन बनाने हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, टारगेट तो पूरा कर लेता है, लेकिन वहाँ क्या लग जाता है, समय बच जाता है लेकिन धन अधिक लग जाता है। हो सकता है वो बड़े पैमाने पर क्या करे, अपने यहाँ पर मशीनों की स्थापना करे और बड़े पैमाने पर श्रमिकों की स्थापना कर दे जिससे काम जल्दी से हो जाए। और कुशलता में क्या होता है कि सामान वही का वही रहता है, वही की वही मशीन, वही के वही व्यक्ति, लेकिन वहाँ क्या हो जाता है, समय अधिक लग जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार प्रभावपूर्णता के अंतर्गत तय किए गए समय में कार्य पूरा कर लिया जाता है, चाहे कार्य पूर्णता में धन अधिक लगा दिया जाए। इसके विपरीत कुशलता में लागत को ध्यान में रखकर कार्य किया जाता है, चाहे समय अधिक लग जाए। तो क्लियर फ्रेंड्स, क्या होता है प्रभावपूर्णता बनाम कुशलता का? प्रभावपूर्णता का मतलब होता है जो टारगेट होता है उसको उस समय अवधि में, उस टाइम पीरियड में कंप्लीट
कंप्लीट कर लेना चाहे आपका उसमें पैसा ज़्यादा लग जाए। और कुशलता का मतलब होता है कि कम लागत पर, कम से कम लागत पर काम को पूरा करना चाहे समय अधिक लग जाए। अब हर एक व्यक्ति चाहता है मेरे साथ तो ये दोनों बातें होनी चाहिए, कम से कम खर्च होना चाहिए, समय पर भी सारे काम होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे वो तालमेल बैठाए और कैसे अच्छे से काम करे, तो वो सारा काम एक प्रबंध से हो जाता है। अब आगे हम जानेंगे इसमें फ्रेंड्स प्रबंध की विशेषता, ठीक है। तो प्रबंध की क्या क्या विशेषता होती है कि प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। जब भी आप किसी काम की प्लानिंग करते हो तो प्लानिंग करने के लिए सबसे पहले एक उद्देश्य तो होना चाहिए ना। जैसे आज आप पढ़ रहे हो तो पढ़ किस लिए रहे हो, आपको अपनी खुद की एक कंपनी खोलनी है, आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है, आपको एक बिजनेसमैन बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, कोई ना कोई तो आपका एम होगा ना। तो एक उद्देश्य है तब जाके आप ये प्लानिंग कर रहे हो, इसलिए बोला गया कि प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। सेकंड, प्रबंध सर्वव्यापी है, मतलब सर्व मतलब सभी जगह, व्याप मतलब होता है रहना, सभी जगह, यूनिवर्सल। फिर है प्रबंध बहुआयामी है, मैनेजमेंट जब हम करते हैं तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, अलग 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 तरीकों से हम लोगों से काम करवा सकते हैं और उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। फिर प्रबंध एक निरंतर प्रक्रिया है, हाँ, क्योंकि एक लक्ष्य पूरा होने के बाद दूसरे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें प्लानिंग करनी होती है, इसलिए प्रबंध एक सतत प्रक्रिया, निरंतर प्रक्रिया है। प्रबंध एक निरंतर प्रक्रिया है, इसके लिए फेबमार्ट की जो एक सुहासिनी है उसका एग्जाम्पल बहुत दिया जाता है कि वो क्या करती है कि अपने यहाँ पर जब काम करती है तो एक दिन क्या करती है, वो प्लानिंग करती है काम को लेकर। सेकंड डे क्या करती है, काम को करने में जो समस्या आई है अपने कर्मचारियों की शिकायतों को सुनती है, तो कुछ इस तरीके से वो प्रबंध का काम करती है। फिर है प्रबंध एक सामूहिक कार्य है, मतलब हम ग्रुप में भी, समूह से भी काम करवा सकते हैं। जैसे अगर अपन किसी व्यक्ति को कोई काम करने का ऑर्डर दे तो वो ऐसे नहीं करेगा, लेकिन प्रबंध एक ऐसी कला है कि वह 10 लोगों से भी एक जैसा काम करवा लेती है, ठीक है। फिर प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है, अमूर्त मतलब अदृश्य, हम उसको देख नहीं सकते। अब इन पॉइंट्स की डिटेल को जानो, फिर आप इसके मीनिंग को और भी अच्छे से समझ पाओगे, है ना फ्रेंड्स। तो देखो एक एक पॉइंट्स को। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, मतलब जहाँ तक कोई पर्पस नहीं होगा किसी काम का, वहाँ तक काम को कैसे किया जाएगा। तो यहाँ बोला है किसी भी संगठन के कुछ मूलाधार उद्देश्य होते हैं। मूलाधार का मतलब होता है कि उनका कोई एम, कोई लक्ष्य होना, जिस लक्ष्य के लिए ही उनका जन्म हुआ हो या जिस लक्ष्य के लिए ही वो काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो संगठन के कुछ मूलाधार उद्देश्य होते हैं। अब यहाँ पे पहले मैं आपको बता देती हूँ, संगठन का मतलब होता है व्यक्तियों का समूह। जैसे यहाँ पर मैं कुछ 4-5 लोगों का एक समूह बना देती हूँ, क्योंकि काम कौन करता है, व्यक्ति तो करते हैं, कोई जीव जंतु पशु पक्षी से तो काम नहीं होता है, है ना। तो क्या होता है कि प्रत्येक जो संगठन होता है उसके कुछ मूलाधार उद्देश्य होते हैं, जिसके कारण ही उसका एक अस्तित्व है। मतलब जैसे कि कोई कंपनी है, कोई बिजनेस है, तो उसमें कुछ व्यक्ति काम कर रहे हैं तभी तो वो अस्तित्व में, अस्तित्व का मतलब है तभी तो उसकी एक पहचान है, तभी तो उसका एक नाम है और तभी तो लोग उसको पहचान रहे हैं क्योंकि वहां पर कोई व्यक्ति काम कर रहा है। किंतु प्रत्येक संगठन के उद्देश्य कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। संगठन क्या है, व्यक्तियों का एक समूह, ठीक है। व्यक्तियों का एक समूह तो है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर व्यक्तियों का समूह, हर एक व्यक्तियों का संगठन एक ही पर्पस के लिए होता हो। सारे संगठन अलग अलग होते हैं। जैसे स्कूल का अलग होता है, प्रिंसिपल का काम अलग हो गया, वहीं एक कंपनी में जो संगठन है, जैसे स्कूल में टीचर्स का जो स्टाफ है वो भी एक संगठन है, लेकिन उनका पर्पस क्या है, एजुकेशन प्रोवाइड करने का। वहीं किसी कंपनी में भी एम्प्लॉयज का क्या एक स्टाफ है, तो उनका पर्पस क्या हो गया, उनका पर्पस अलग हो गया, है ना। तो ये बोला गया है कि प्रत्येक संगठन से ही एक बिजनेस की, एक कंपनी की या हर एक काम की एक पहचान होती है, किंतु जरूरी नहीं है कि वो संगठन क्या हो, एक समान हो। सब संगठन अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए देखो, एक फुटकर दुकान का उद्देश्य क्या है, अधिक से अधिक बिक्री बढ़ाना हो सकता है, लेकिन दी स्पास्टिकल सोसाइटी जो है,
ठीक है। ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है इसका उद्देश्य क्या है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। जैसे आपने एनजीओ वगैरह के नाम सुने हैं ना, कि ये क्या करते हैं, कुछ ऐसे बच्चों की हेल्प करते हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा वीक होती है, लेकिन वो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं तो उनको ये सपोर्ट करती है। तो यहाँ पे इसने क्या बताया कि काम करने के काम संगठन से होता है, लेकिन संगठन अलग अलग होता है। जैसे मैंने स्कूल का बोला है, एक कंपनी का बोला है, तो यहाँ आप फुटकर व्यापारी का ले सकते हो और एक किसी एनजीओ का ले सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब सेकंड देखो क्या है यहाँ पर। सेकंड, प्रबंध सर्वव्यापी है, इसको आप सार्वभौमिक भी बोल सकते हो कि सभी जगह है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप स्कूल का प्रिंसिपल ही क्या कर रहा है, मैनेजमेंट का काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। घर में भी तो देखो, घर में हम हर एक काम को मैनेज करके ही चलते हैं। कंपनी में देखो, स्कूल में देखो, बैंक में देखो, हॉस्पिटल में देखो, हर एक फील्ड में मैनेजमेंट से ही सारे काम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है कि संगठन, मतलब कि अब व्यक्तियों का वो समूह, संगठन चाहे कैसा हो, आर्थिक चाहे पैसा कमाने वाला हो, सामाजिक चाहे व्यक्तियों का समूह समाज सेवा के लिए हो, या फिर राजनीतिक पार्टी से कोई रिलेटेड हो, प्रबंध की क्रियाएं क्या होती है, सभी में समान होती है। मतलब प्रबंध का कार्य सभी में समान होता है। जैसे क्या एग्जांपल देखो, जैसे एक पेट्रोल पंप में प्रबंध की उतनी ही आवश्यकता है जितनी आवश्यकता किसी विद्यालय या चिकित्सालय में होती है। मतलब वो बोल रहा है कि जितना अच्छे तरीके से काम एक पेट्रोल पंप में व्यक्तियों को करवाने की है, कि मतलब व्यक्तियों के समूह से बहुत अच्छे से काम करवाए जिससे हमको अच्छा पैसा मिलेगा, तो उतनी ही आवश्यकता हर एक फील्ड के हर एक व्यक्ति को होती है कि मेरे यहाँ पर भी जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनसे मैं सही तरीके से काम करवाऊँ। ठीक है, अंतर केवल क्या आ जाता है, प्रबंध के तरीके में हो सकता है। जैसे स्कूल में अलग तरीके से मैनेजमेंट का काम किया जाता है, कंपनीज में अलग होता है, बैंक में अलग होता है, हॉस्पिटल में अलग अलग होता है। तो क्या बोल रहा है कि प्रबंध एक सर्वव्यापी प्रक्रिया है, प्रबंध का काम सभी जगह किया जाता है, अंतर केवल इतना होता है उनके तरीकों में। ठीक है, क्योंकि प्रबंध का कार्य भारत में ही नहीं, विश्व के सभी देश, अमेरिका, जापान, फ्रांस आदि में किया जाता है, और प्रत्येक देश की संस्कृति और रीति रिवाज अलग अलग है, इसलिए प्रबंध के तरीकों में भी क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। जैसे आज मानो आप इंदौर में कोई बिजनेस कर रहे हो, या फिर इंदौर में आपका कोई कोचिंग सेंटर है, ठीक है, तो वहां के स्टाफ से आप जिस तरीके से काम करवा रहे हो, क्या उसी तरीके से काम आप दूसरी जगह, जैसे कि आप दिल्ली चल गए, तो वहां करवा पाओगे क्या, वहां पे आपको सारा एनवायरमेंट चेंज मिलेगा। ठीक है, वहां के पर्सन के अकॉर्डिंग आपको आपका मैनेजमेंट का तरीका रखना पड़ेगा। तो ये बोला गया है कि प्रबंध सर्वव्यापी, प्रबंध सभी जगह है, एक जगह नहीं है, आपके दैनिक जीवन से लेकर आप जहां हो वहां से लेकर आप जहां जाते हो वहां तक प्रबंध है। कहीं भी चल जाओ, सब जगह आपको प्रबंध मिलेगा, और इसकी आवश्यकता हर एक जगह है। ये केवल भारत में नहीं, सभी देशों में अपनाया जाता है, बस इनके कार्य के तरीके अलग अलग हो जाते हैं क्योंकि संस्कृति रीति रिवाज अलग अलग होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला देखो, अगला क्या है इसमें, प्रबंध बहुआयामी है। अब बहु मतलब बहुत सारे, आयाम मतलब घटक, कि प्रबंध करने का तरीका, मैनेजमेंट करने का तरीका, लोगों से काम लेने का जो हमारा तरीका है वो अलग अलग हो सकता है, क्योंकि सब व्यक्तियों के अलग अलग माइंड होते हैं। जैसे स्कूल में एक टीचर पढ़ाता है क्लास में बच्चों को, ठीक है, उसने एक बार कोई बात बोली तो 10 में से 2 बच्चों को समझ में आई, 8 को समझ में नहीं आई, फिर वो फिर से समझाने की कोशिश करता, तो वो अलग अलग तरीकों को अपनाता है ताकि हर एक बच्चा उसे समझ पाए। तो सेम यहां पर भी यही है कि प्रबंध क्या है, एक जटिल क्रिया है, मतलब एक कठिन कार्य है, इतनी आसानी से हर एक व्यक्ति आपकी बात नहीं मान सकता, इसलिए पहले ही बोला गया है कि प्रबंध एक टैक्टफुली एक तरीका है काम लेने का, है ना, इसके अनेक तरीके होते हैं। अब जब आप प्रबंध का कोई काम करोगे, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको कार्य का
प्रबंध करना पड़ेगा, मतलब कार्य डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे व्यक्ति जो चाहिए काम करने के लिए, मैं कुछ लोगों से काम करवाना चाहती हूँ तो मैं कौन सा काम कराऊँ। सबसे पहले मैं काम तो डिसाइड कर लूँ ना। तो कार्य के प्रबंध में क्या बोला गया है कि सर्वप्रथम प्रबंध के लिए कार्य की प्रकृति का निर्धारण किया जाता है, मतलब कार्य का प्रबंध निर्धारण किया जाता है, है ना। कार्य की प्रकृति का निर्धारण किया जाता है अर्थात कार्य के लिए प्रबंध किया जाता है। जैसे कारखाने में किसी उत्पाद का निर्माण करना है तो उसके कार्यों का निर्धारण करना, जैसे योजना बनाना, निर्णय लेना, बजट बनाना आदि कार्यों का निर्धारण कर प्रबंध करना कार्य का प्रबंध कहलाता है। सिंपल सा मीनिंग है, प्रबंध बहुआयामी है, मतलब प्रबंध करने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे सबसे पहले आप किसी से काम लेना चाहते हो तो आप काम का डिसाइड कर लो कि आपको क्या काम करवाना है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल दिया कि जैसे कारखाने में किसी वस्तु का उत्पादन करना है तो उत्पादन करने के लिए क्या आपको श्रमिक चाहिएंगे, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कितना पैसा है, कितना पैसा और चाहिएगा। तो ये सारी आप प्लानिंग कर लो कि हाँ मुझे वस्तु का उत्पादन करना है, मुझे यहाँ पर 100 श्रमिक चाहिए। अब 100 श्रमिक चाहिए तो फिर आप क्या करो, सेकंड नंबर पे लोगों का क्या करो, यहां पर प्रबंध करो। लोगों का प्रबंध अब क्या होता है, देखो प्रत्येक व्यक्ति में किसी ना किसी कार्य को लेकर विशिष्ट योग्यता होती है, अतः लोगों के प्रबंध का अर्थ है सही व्यक्ति से सही कार्य लेना। सबसे पहले आपने काम का डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे एक फैक्ट्री खोलना है जिसमें मुझे किसी वस्तु का उत्पादन करना है और उसके लिए मुझे 100 श्रमिक चाहिए। तो 100 श्रमिक होने के बाद आप क्या करोगे, लोगों का प्रबंध, मतलब आप 100 लोगों को ढूंढोगे और उसमें से सही व्यक्ति से सही काम करवाओगे। क्योंकि क्या होता है, हर एक व्यक्ति हर एक कार्य नहीं कर सकता, लेकिन हर एक व्यक्ति में किसी ना किसी काम को लेकर कोई ना कोई एबिलिटी तो होती है। तो लोगों के प्रबंध के अंदर यही किया जाता है कि उन लोगों को ढूंढा जाता है जो काम को अच्छे से कर सके। क्योंकि यहां पे देखो व्यक्ति ही क्या होता है, प्रत्येक संगठन की सबसे बड़ी संपत्ति होती है और संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। आज आप बहुत सुंदर सुंदर इमारतें देखते हो, मंदिर देखते हो, सबसे एग्जांपल लूँ जैसे कि आप ताजमहल देखो तो आप जब उसको देखते हो तो सोचते हो ना कि यार कितना अच्छा है, कितना सुंदर है, जो कारीगरी इस दीवार पर है वही इस पर है। तो वो सब भी एक कुशल प्रबंध से हुआ, वो लोगों को अच्छे से मैनेज किया उस वजह से हुआ, है ना। तो क्या है कि हर एक जो संगठन है वही हर एक व्यक्ति के बिजनेस की सफलता की आधारशिला होता है, ठीक है। अब देखो परिचालन का प्रबंध, जब आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे क्या क्या काम करना है, काम डिसाइड कर लिया, फिर मुझे काम किन किन लोगों से करवाना है वो आपने डिसाइड कर लिया, तो आप अब परिचालन का प्रबंध करो। परिचालन के प्रबंध का मतलब होता है अब खर्चा देखो कि अब कितना खर्चा आने वाला है। तो परिचालन के प्रबंध का अर्थ होता है कम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना, जिससे संगठन के अस्तित्व को कायम रखा जा सकता है। यह कार्य के प्रबंध एवं लोगों के प्रबंध दोनों की कड़ी होती है। मतलब कि परिचालन के प्रबंध के अंदर बताया गया फ्रेंड्स कि काम कम से कम लागत पर होना, जिससे संस्था में बड़े पैमाने पर आप प्रॉफिट प्राप्त कर सको। और जितना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट आप अपने एम्प्लॉय में डिवाइड करोगे, है ना। तो आपको बड़े पैमाने पर क्या मिलेगा, अधिक से अधिक इन्वेस्टर आपके साथ इन्वेस्ट करेंगे, ये सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो बहुआयामी में आपने क्या जाना, कार्य का प्रबंध करना मतलब कार्य का निर्धारण करना, लोगों का प्रबंध करना मतलब उन लोगों को ढूंढना जिससे आप काम करवाओगे, और थर्ड है परिचालन का प्रबंध, मतलब अब कम से कम खर्चे पे काम हो जिससे आपके बिजनेस का अस्तित्व कैसा रहे, स्थायी रहे, उसको बंद करने की नौबत ना आए। क्योंकि नुकसान होता है तो कंपनियां क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, बिजनेस क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं हो, इसलिए आप काम का मैनेज करो, काम करने के लिए सही व्यक्ति को चुनो और फिर कम से कम खर्चे पर उनसे काम करवाओ। तो ये होता है कि प्रबंध बहुआयामी है। अब अगला देखो इसमें क्या लिखा है अगला फ्रेंड्स, कि प्रबंध एक निरंतर प्रक्रिया है। हाँ, क्योंकि एक लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद दूसरे लक्ष्य को प्राप्त करने की हमें क्या करनी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है। जैसे आज आप 10th में थे, आपने 11th में कॉमर्स लिया, फिर 11th पास आउट करने के बाद आप 12th में आए, तो हर एक काम को आप मैनेज करके चल रहे हो ना। इसलिए बोला गया है कि प्रबंध एक निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। प्रबंध एक निरंतर चलते रहने वाले प्रत्येक पृथक कार्यों, जैसे अब अलग अलग कार्य इसमें कौन कौन से बताए गए हैं, नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियुक्तिकरण व निर्देशन।
आदि की क्या बताई गई है, इसे एक श्रृंखला। अब नियोजन का मतलब क्या होता है, प्लानिंग करना, कम कल के कार्य की आज ही प्लानिंग करना नियोजन कहलाता है। संगठन क्या होता है, हमने जो प्लानिंग की है उस प्लानिंग को एक साकार रूप देता है, मतलब व्यक्तियों को एकत्र इकट्ठा करना। निर्देशन क्या होता है, व्यक्तियों को काम करने के लिए गाइड करना कि कैसे काम करना कैसे नहीं करना, उनका मार्गदर्शन करना, मार्ग मतलब रास्ता, दर्शन मतलब उन्हें दिखाना, रास्ता दिखाना। फिर नियुक्तिकरण, सही व्यक्ति को सही काम के लिए नियुक्त करना। फिर है निर्देशन, मतलब कि समय समय पर उन्हें गाइड भी करते रहना। तो इस प्रकार से अपन बोल सकते हैं कि प्रबंध क्या है, इन सब की एक श्रृंखला है। अर्थात प्रबंध में हर दिन नई नई योजनाओं व नई नई समस्याओं व योजनाओं को लेकर कार्य किए जाते हैं। प्रबंध एक निरंतर प्रक्रिया है, क्योंकि एक लक्ष्य पूरा होने के बाद दूसरे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम प्रबंध को अपनाते हैं। इसलिए प्रबंध एक निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया है। इसमें एक दिन समस्याओं को लेकर बात की जाती है तो दूसरे दिन योजनाओं को लेकर। एंड अगला है इसमें फ्रेंड्स कि प्रबंध क्या है, एक सामूहिक प्रक्रिया। सामूहिक मतलब ग्रुप से काम लेने की, समूह से काम लेने की एक कला है। अगर आप ऐसा कर सकते हो क्या कि 100 लोगों से एक जैसा काम करवा सकते हो क्या, नहीं करवा सकते हो। लेकिन प्रबंध क्या करता है, 100 व्यक्तियों से एक जैसा काम करवा सकता है। इसलिए प्रबंध एक सामूहिक प्रक्रिया है। कि संगठन क्या होता है, यहाँ पर क्या दिया है कि संगठन जो होता है वो भिन्न भिन्न आवश्यकता वाले अलग अलग प्रकार के लोगों का समूह होता है। और प्रत्येक जो संगठन होता है उसमें हर व्यक्ति अलग अलग उद्देश्य को लेकर शामिल होता है। लेकिन संगठन के सदस्य के रूप में वह संगठन के समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए टीम रूप में कार्य करता है। साथ ही प्रबंध इन सदस्यों को बढ़ने एवं विकास को संभव भी बनाता है। वो बोल रहा है प्रबंध एक सामूहिक प्रक्रिया है। जैसे कि एक क्लास है, ठीक है, अब एक क्लास में क्या है, साइंस के बच्चे बैठे हैं। अब उसमें से क्या करना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को जैसे कोई को डॉक्टर बनना है ना, वो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए सब क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो बैठे तो एक जैसे लेकिन माइंड में सबके अलग अलग, किसी को BSc नर्सिंग करनी है, किसी को BSc कंप्यूटर साइंस करना है, ऐसे सब अपने अलग अलग लक्ष्य को लेकर बैठे हैं। या फिर जैसे कॉमर्स की क्लास है तो उसमें कोई CA का सपना लेकर बैठा है, कोई MBA का सपना लेकर बैठा है। तो होता क्या है, वो सारे बच्चे तो बैठे हैं उसमें लेकिन उनको पढ़ाया कैसे जा रहा है, एक जैसा, ठीक है। तो यही बोला गया है कि संगठन में जो व्यक्तियों का जो समूह होता है तो उसमें जो व्यक्ति होते हैं तो हर एक व्यक्ति का अलग अलग क्या होता है, सपना होता है। जैसे क्लास में सभी बच्चे बैठे हैं, अब सभी एक साथ पढ़ रहे हैं लेकिन सभी का साइंस सब्जेक्ट है, सभी का कॉमर्स सब्जेक्ट है, लेकिन सब अलग अलग सपना लेकर बैठे ना, एक CA का लेकर बैठा है, एक MBA का लेकर बैठा है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अपने सपने को पूरा करने के लिए टीम में तो शामिल होते हैं, साथ ही साथ प्रबंध जिस तरीके से काम करवाती है उसमें भी टीम रूप से काम करते हैं। जैसे क्लास में वो अलग अलग सपने को लेकर बैठे हैं तो क्या टीचर अलग अलग पढ़ा रही, क्या वो तो सबको एक जैसा पढ़ा रही ना, तो संगठन में भी सेम ऐसा ही है, ठीक है। और संगठन से क्या होता है, उनकी जो टीम बढ़ती है उनका विकास होता है। तो हम बोल सकते हैं कि प्रबंध एक सामूहिक प्रक्रिया है, मतलब समूह से भी काम ले लेती है। एंड लास्ट है प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है। अमूर्त मतलब अदृश्य, जिसको अपन क्या कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, मतलब हमें उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है ना। तो क्या है कि प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है जो हमें दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन संगठन के कार्यों के रूप में इसकी उपस्थिति को अनुभव किया जा सकता है। और इसको अपन कैसे मापेंगे, जैसे कि आपको पता है कि जो रोड होता है उसको आप किस चीज में मेजर करते हो, किलोमीटर में करते हो, लिक्विड चीजों को लीटर में, कपड़े को मीटर में, ठीक है, फ्रूट वेजिटेबल होते हैं उनको किलोग्राम में। तो उसी प्रकार से ये जो प्रबंध है ये अदृश्य दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी आप इसको मेजर कर सकते हो आपकी सफलता के रूप में। आपका जो टारगेट है उस समय अवधि में आपका टारगेट पूरा हो गया है तो आप बोल सकते हो कि प्रबंध अच्छे तरीके से हुआ, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो कुछ इस तरीके से हमने प्रबंध का मीनिंग जाना, प्रभावपूर्णता बनाम कुशलता को जाना और प्रबंध की विशेषताओं को जाना। अब अगर आपको कोई भी पॉइंट्स में डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।